हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रतीक सिंह ठाकुर, एम एस स्कॉलर, शाला के तंत्र। आज मेरा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन को हम अर्धाभेदक से भी कोरिलेट करेंगे, तो हम माइग्रेन पढ़ेंगे कुल 12 स्टेजेस में। सबसे पहले इंडेक्स में उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा से लेकर उसका प्रेवलेंस रेट, उसके कॉजेज, माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स, माइग्रेन के पैथोजेनेसिस, जो माइग्रेन की स्टेजेस या फेजेस होते हैं उसे, माइग्रेन का वर्गीकरण, उसका जो क्लासिफिकेशन है, माइग्रेन के साइन सिम्टम्स डायग्नोसिस, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सबसे पहले माइग्रेन की डेफिनेशन। माइग्रेन है क्या एग्जैक्टली? माइग्रेन इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक्स ऑफ हेडेक, वाइडली वेरिएबल इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। अटैक्स आर कॉमन यूलिलेटरल एंड आर यूजली एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। दरअसल अर्धाभेदक या माइग्रेन एक टाइप का हेडेक ही है, पर हेडेक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसमें वाइडली अलग अलग होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता और समय की जो अवधि है। तो कई लोगों को माइग्रेन 10 मिनट का होता है, कई लोगों को घंटों का होता है, और अटैक्स जो कॉमन आते हैं वो यूनिलेटरल भी होते हैं, इसलिए हम उसको अर्धाभेदक कहते हैं, क्योंकि ये आधे सर का दर्द होता है, इसे आधा सीसी भी कहा जाता है। जी हाँ, माइग्रेन के साथ सिम्टम्स आते हैं एनोरेक्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग। सबसे पहले उसका प्रेवलेंस रेट। प्रेवलेंस रेट हेडेक एक कॉमन होता है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में नहीं होता है। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में उतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। रूरल एरियाज में लोगों को उतनी ज़्यादा काम की दिक्कतें नहीं होती हैं, उतनी ज़्यादा शोर खराबा नहीं होता है। प्रेवलेंस रेट की बात करी जाए तो प्राइमरी हेडेक 62% है। प्रेवलेंस रेट ऑफ माइग्रेनस हेडेक है 25.2% एज ऑफ द रेट ऑफ जनवरी 2022। माइग्रेन अफेक्ट करता है एस्टिमेटेड मोर देन 10% लोगों में वर्ल्ड वाइड। अकर्स मोस्टली अमंग पीपल एज बिटवीन 20 से 50 साल के लोगों में, एंड इज अबाउट 3 टाइम्स आर मोर कॉमन इन वुमेन्स देन इन मैन। वुमेन्स में माइग्रेन ज्यादा कॉमन है मैन के अकॉर्डिंग। इसका मैं रीजन बाद में आकर समझाऊंगा आपको। इन अ लार्ज यूएस सर्वे में 70.1% वुमेन्स और 5.6% मेन रिपोर्टेडली माइग्रेन के सिम्टम्स पाए गए। सर्वे स्टडी के अकॉर्डिंग माइग्रेन होता है कंटिन्यूस रीडिंग के कारण, हाई साउंड के कारण, नॉइज पोल्यूशन के कारण, ट्रेवलिंग के कारण ये और ज्यादा बढ़ जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हाई रिस्क ऑफ माइग्रेन। 70 से 80% माइग्रेन सफर करते हैं फैमिली हिस्ट्री वाले। 68% लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी गोल को, किसी चीज को गेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली माइग्रेन उन लोगों को होता है जो बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा काम के प्रति लगे रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि विमेन्स को माइग्रेन ज्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और दूसरी एक और चीज, वुमेन्स में जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो वैसे ही ज्यादा पेन के प्रोन रहता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन पेन को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेस्टोस्ट्रॉन एक बॉडी बिल्डिंग हॉर्मोन है, विमेन्स में वो कम होता है, मेन्स में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस पेन को कम भी कर देती है। अब वुमेन्स में वो नहीं है तो पेन उनमें ज्यादा ज्यादा फील होता है। ओवरऑल द इंसिडेंस ऑफ माइग्रेन इंक्रीज बाय 56% इन वुमेन एंड 34% इन मेन। द मोस्ट स्ट्राइकिंग रेट ऑफ इंक्रीज वॉज इन वुमेन 820 to 600 to 1000 न्यू पर केसेस पर 10,000 वुमेन, यानी पर 100,000 वुमेन और 1 लाख वुमेन पर ईयर। 1 लाख औरतों में, हर 1,000 औरतों में माइग्रेन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये जामा नेटवर्क का फुल आर्टिकल की वेबसाइट है। लार्जेस्ट जेनेटिक स्टडी ऑफ माइग्रेन टू डेट रिवील्स न्यू जेनेटिक रिस्क। साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि 120 रीजन्स जीनोम्स में एक कनेक्टेड रहता है रिस्क ऑफ माइग्रेन। ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हेल्प्स रिसर्चर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइग्रेन एज ऑफ हेडेक रिसर्च। नाउ द कॉजेज ऑफ माइग्रेन। वैसे तो माइग्रेन की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इट इज द एग्जैक्ट कॉज बाय द एक्टिवेशन ऑफ मैकेनिज्म डीप इन द ब्रेन दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ पेन प्रोड्यूसिंग इंफ्लेमेटरी सबस्टेंसेस। माइग्रेन रिकरेंट होता है, लाइफ लॉन्ग रहता है और कैरेक्टराइज रहता है रिकरेंट अटैक से। बार बार उसके अटैक आए जाते हैं, बार बार उसके सिम्टम्स आते हैं। कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे बताए, नॉइज, हॉर्मोनल चेंजेस जैसे कि बताया, जैसे फीमेल से प्रोजेस्टेरोन के कारण ज्यादा होता है, वेदर चेंजेस है, डिहाइड्रेशन के कारण ज्यादा हो जाता है मेजर।
न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं, जिसमें पेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, एग्जैबरेटिंग ड्रग्स नहीं, जो ड्रग्स खराब कर देते हैं इनफैक्ट जैसे डाइटरी हैबिट्स, खाना पीना बंद कैफीन। अभी कैफीन क्या है, वैसे तो वो हेडेक को वो कम करता है, पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन, ये कैफीन की आदत नहीं, तो कैफीन एक बार पाता है तो लोगों को फिर और ज्यादा माइग्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत ही कॉमन फैक्टर है। That is the most common trigger factor of headache and migraine. More than 70% patients are high level of stress, leading up to mental harmony. सर्वे ये कुछ 16 माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें चॉकलेट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, हार्मोनल इम्बेलेंस है, एलर्जीज है, ग्लूटेन है, अल्कोहल है, साइनस प्रॉब्लम है, कैफीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस फूड्स है, मसल एक, स्ट्रेस बहुत कॉमन फैक्टर है। उसके बाद माइग्रेन की छोटी सी पैथोजेनेसिस, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, मेटाबॉलिज्म फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, ड्रग्स, ये सारी जो चीज़ें उनको यहाँ पे थोड़ा एलिबोरेट करके बताया गया है। माइग्रेन के अटैक्स किस तरीके के होते हैं, हार्मोनल अटैक्स, ऑल दो एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट नोन, द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसरी स्टेमुलाई मे लीड ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ मोनो एमिनर्जिक सेंसरी कंट्रोल सिस्टम लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस। एग्जैक्ट फैक्टर बताया नहीं जाता, पर थैलेमस में जो हमारा हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है एमिनोजेनिक सेंसरी कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। और एक और बताया जाता है कि ट्राइजेमलर नर्व फाइबर्स में एक CGRP पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है, जो कि माइग्रेन का एक बहुत ही कॉमन ज्यादा कॉमन फैक्टर है माइग्रेन करने के लिए, और CACN1 जी रिस्पॉन्सिबल रहता है जेनेटिक फैक्टर्स के लिए कि लोगों को जेनेटिकली माइग्रेन कैसे हो रहा है। यह माइग्रेन की कुछ फेजेस या स्टेजेस, माइग्रेन किसी को भी होता है तो इन चार स्टेजेस के अंदर ही होने वाला है। सबसे पहली फेज है प्रोड्रोम फेज, ये पहली की फेज होती है। अगली फेज आती है ऑरा फेज, अगली फेज है ऑरा फेज, थर्ड फेज है हेडेक फेज जो कि सरदर्द वाली फेज होती है, और चौथी फेज है पोस्टड्रोम फेज। इन चार स्टेजेस में जो माइग्रेन होता है, सबसे पहले है प्रोड्रोम फेज, ये कैसी होगी। प्रोड्रोम फेज एक वेग प्री मॉनिटरी सिम्टम्स है, वेग मीन्स जिसका कभी भी आ सकती है, इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है। बिगिंस होते ही 12 से 36 घंटे के बीच में होती है, ऑरा के पहले आती है। इसमें सिम्टम्स होते हैं योनिंग, एक्साइटेशन होना, डिप्रेशन होना, लिथार्जनेस होना, थकावट होना, और क्रेविंग या डिस्टेस्ट होना फूड का। इसकी ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट की है। फिर अगली आती है ऑरा फेज, दिस इज द, आपने कई बार सुना होगा माइग्रेन का एक ऑरा होता है, ऑरा फेज इज द हेडेक फेज। ऑरा इज अ वार्निंग और सिग्नल बिफोर द ऑनसेट ऑफ हेडेक, एक तरह का माइग्रेन का पूर्व रूप ही है। हेडेक इसमें है, किस तरीके के सिम्टम्स हैं हेडेक के साथ, फ्लैशिंग ऑफ लाइट या जिगजैग लाइंस आना। जब किसी को माइग्रेन होता है, सर दुखता है, तो बहुत ही ज्यादा तीव्र पेन होता है, कई बार आंखों के, चेहरे के फीचर्स बदल जाते हैं, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, ये भी ड्यूरेशन होते हैं 15 से 30 मिनट के। फिर आता सरदर्द वाला फेज, हेडेक फेज। हेडेक जनरली यूनिलेटरल ही रहता है और एसोसिएटेड सिम्टम्स के द्वारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन किसी ना किसी एक साइड ही रहता है, यूनिलेटरल, कभी दाएं साइड दर्द हो रहा है, कभी बाएं साइड हो रहा है, कभी पेशेंट को लगता है कि उसको पूरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि पेशेंट को लगता है कि उसको पूरे सर में दर्द हो रहा है, और मेनली लोगों को लेफ्ट साइड पेन ज़्यादा रहता है क्योंकि लोग राइटी रहते हैं, पर जो लेफ्टी रहते हैं उनमें ऐसा पाया गया कि उनको पेन राइट साइड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि राइटी का लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव रहता है और लेफ्टी का राइट वाला। तो हेडेक फेस में सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया आप जानते हैं, रोशनी से दिक्कत देना, फोनोफोबिया, साउंड से दिक्कत देना, टेनाइटिस या कर्णश्वेत। ड्यूरेशन इसकी भी रहती है 4 से 72 घंटे, ये लगभग 2 से 3 दिन का भी खिंचता है।
फिर आता है पोस्ट ड्रोम फेज, ये आखिरी फेज होता है। माइग्रेन हो जाने के बाद क्या होता है, थकावट होती है, डिप्रेशन होता है, सीवियर एग्जॉस्टन, बहुत ही थकावट, एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, लिथार्जनस हो जाता है। और काफी सारे पेशेंट यूजली फ्रेश भी हो जाते हैं कि एक बार हेडेक हो गया, हाँ भाई हो गया, निकलने के बाद उनको काफी रिलीफ होता है। और ये भी 1 से 2 दिन तक का खिंचता है ये वाला फेज। ये हैं वो सारे फेजेस जिनको मैंने इस तरीके से बनाया है। वर्गीकरण करें IHS के अकॉर्डिंग, IHS आप सब लोग जानते होंगे, एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, उनने माइग्रेन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया है, माइग्रेन विथ ऑरा जैसे क्लासिक माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन विदाउट ऑरा जैसे कॉमन माइग्रेन कहते हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन जो कैसा भी रह सकता है। सबसे पहले माइग्रेन विदाउट ऑरा या कॉमन माइग्रेन, इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रॉबिंग या कंपाउंडिंग पेन रहता है वन साइड ऑफ द हेड, पेन मॉडरेट से लेके सीवियर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वर्सन हो जाएगा नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी, नोजिया वॉमिटिंग रहेगी, वर्स अराउंड साइंड एंड लाइट, यानी रोशनी और ध्वनि के साथ अगर मिलेगा तो हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोनोफोबिया फोटोफोबिया जैसे कहा जाता है। और ये भी 4 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक खिंच जाता है अगर सही ना किया जाए तो। फिर आता है माइग्रेन विथ ऑरा या क्लासिक माइग्रेन, ये भी खिंचता है लगभग 30 मिनट तक। इसमें वेवी लाइंस मिलती हैं, फ्लैशिंग ऑफ लाइट मिलती है, ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड मिलते हैं यानी धुंधले से नज़र आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा ब्लैकआउट नज़र आ रहे हैं, टिंगलिंग पेन होता है, पिन और नीडल्स की जैसी फीलिंग होती है। अगला है कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन, इसमें सिम्टम्स आएगा नंबनेस होना, टिंगलिंग होना, बोलने में दिक्कत होना, समझने में दिक्कत होना, अपने हाथ पाँव को मूव करने में दिक्कत आ जाना, ऐसे सिम्टम्स आते जाते रहते हैं माइग्रेन के हेडेक के साथ। फिर कुछ माइग्रेन है अदर टाइप्स के जिन्हें क्लासिफाई उतने अच्छे से IHS ने या बाकी किताबों में नहीं किया है, मैंने उसे भी समझाया है। हेमिप्लेजिक माइग्रेन, आप लोगों ने सुना होगा हेमिप्लेजिया, अब ये क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स ऑफ हेमिप्लेजिया ड्यूरिंग द अटैक, ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन मीन्स आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सिम्टम्स विद पैरालिसिस ऑफ आई मसल, जैसे कि मैंने पहले फेशियल फीचर्स इधर से उधर हो जाते हैं, आंखें मुंह इधर से उधर हो जाती है जब उनको पेन हो रहा हो। स्टेटस माइग्रेन, सिम्टम्स कंटिन्यूस फॉर सेवरल डेज और वीक्स, ये लंबा खिंचता है स्टेटस माइग्रेन। रेटाइनल माइग्रेन, ऑप्थेल्मोप्लेजिक अलग है रेटाइनल अलग, इसमें लॉस ऑफ यूनिलेटरल विजन ड्यूरिंग अटैक्स, इसमें आई मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है ऑप्थेल्मोप्लेजिक में, रेटाइनल में दिखना ही बंद होने लगता है। ये कुछ हेमिप्लेजिक माइग्रेन में दिखता है इंसान को, उसको एक तरफ रहता है और एक तरफ उसको किसी अगर वो देख रहा है तो उसको वो दिखता नहीं, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से एक तरफ का दिखना बंद हो जाता है और एक तरफ बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है। फिर आता है पोस्ट ट्रोमेटिक माइग्रेन, जैसे कि इसका नाम में बताया कि ट्रॉमा होने के बाद कैसा सर दर्द हो रहा है, अगर आफ्टर अ माइनर हेड इंजरी या एक्सीडेंटल हो गया, मोस्ट कॉमनली सॉकर प्लेयर्स या जो ऐसे कोई स्पोर्ट्स हैं जिनमें बॉल इंक्लूडेड है, सॉकर प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेड में लगता है या आई में लगता है। सिम्टोमेटिक माइग्रेन कॉज्ड बाय सेरेब्रल एन्यूरिज्म और एंजियोमा, सेरेब्रल एन्जियोमा और सेरेब्रल एन्यूरिज्म आप लोग जानते हैं जब आर्टरीज या जो सिराएं हैं एक दूसरे में ओवरलैप होने लगती हैं। बेसलर माइग्रेन कॉज्ड ड्यू टू स्पाज्म ऑफ वर्टिब्रो बेसलरी आर्टरी, यूजली स्टार्ट्स विद 3rd decade यानी 30 साल के बाद चालू होता है। क्या सिम्टम्स होंगे, वर्टिगो होना, डिप्लोपिया, दो दिखाई देना, फेशियल टिंगलिंग हो जाना, हेडेक इज यूजली ऑक्सीपिटल, ये भी ऐसे कुछ दिखता है। ये एग्जैक्ट क्लासिक माइग्रेन का एग्जांपल है कि माइग्रेन वाले को दिखता कैसा है, जब माइग्रेन का पीक स्टेज होती है ऑरा या हेडेक फेज वाला। ये है साइंस एंड डायग्नोसिस माइग्रेन के। वैसे माइग्रेन का कोई भी पर्टिकुलर ऐसा डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेशन वाला टेस्ट नहीं है जिसमें माइग्रेन पता चल जाएगा, पर फिर भी एक तरह की फीचर बनाया है IHS ने कि मेडिकल हिस्ट्री लेना है पेशेंट की, उसकी लाइफस्टाइल डिटेल्स लेना है, पेशेंट को एक हेडेक डायरी बनाने बोलना है। अब हेडेक डायरी ऐसा तो नहीं कि उसको हेडेक आएगा तो फिर वो डायरी लिखना चालू करेगा, वो बाद में भी लिख सकता है, उसको एक हेडेक डायरी मेंटेन करनी है जिससे पता चल जाएगा कि उसको दिन में कितनी बार आ रहे हैं, हफ्ते में कितनी बार आ रहे हैं। फिर ये IHS का एक बहुत ही फेमस क्राइटेरिया है 5-4-3-2-1 क्राइटेरिया, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम माइग्रेन में करवा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री नंबर 1, उसमें हम क्या पता कर सकते हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री पेशेंट की सिम्टम्स के साथ साथ,
जिसमें फैमिली हिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहेगी। जेनेटिक माइग्रेन बहुत ही ज़्यादा काम आता है। लाइफस्टाइल डिटेल्स में उसकी स्लीप कैसी है, एक्सरसाइज क्या है, डाइट क्या है और उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या चल रहा है लाइफ में। हेडेक डायरी जो वो मेंटेन करेगा तो पेशेंट को पास किया जा सकता है कि हेडेक डायरी रिकॉर्ड डेट टाइम के साथ मेंटेन करने के लिए, कि पेशेंट को ये भी बताना चाहिए कि उसको खाने के पहले हेडेक हो रहा है, खाने के बाद हो रहा है। तो अच्छा डायग्नोसिस में ये हेल्प करता है। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले ब्लड केमिस्ट्री पूरा, हमारा CBC, ESR यूरिन टेस्ट, CT स्कैन में हम पता कर सकते हैं, हालांकि CT स्कैन में उतना पता नहीं चलेगा पर अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता चल जाएगा, भैया ये ट्रॉमा वाला पेन हो रहा है कि माइग्रेन का पेन हो रहा है। MRI अगेन अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, अब जब CT स्कैन और MRI में पता नहीं चला तो एक्सरे में क्या पता चलेगा, वो भी अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। और जैसे कि एक हमने पढ़ा था ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, तो एक ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन भी ज़रूरी रहता है माइग्रेन में। ये वही जो ब्लड केमिस्ट्री में मैंने बताया। हाँ, हालांकि MRI में जब माइग्रेन का बहुत ही सीवियर अटैक होता है तो MRI के ग्रे मैटर्स में कुछ व्हाइट ग्रेन्यूल्स दिखने लगते हैं, ऐसा भी पाया गया है। हालांकि ये भी एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है माइग्रेन के लिए। नाउ दिस इज अ फेमस 5-4-3-2-1 क्राइटेरिया, इसे समझना इम्पॉर्टेंट है। IHS के अकॉर्डिंग कंफर्म डायग्नोसिस के लिए है, सबसे पहले 5 यानी 5 से ज़्यादा अटैक अगर आ रहे हैं साल में, दूसरा क्या होना चाहिए, 4 या 3 दिन से ज़्यादा उनकी ड्यूरेशन खिंच रही है हेडेक की। फिर आता है 5-4-3-2, 2 या उससे ज़्यादा सिम्टम दिख रहे हैं, कैसे, कौन से सिम्टम, यूनिलेटरल पेन हो रहा है, पल्सेटिंग पेन हो रहा है, मॉडरेट टू सीवियर वो बढ़ रहा है और वर्सन हो रहा है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई भी वो शारीरिक काम करता है उसके बाद वो पेन और ज़्यादा दिक्कत देने लगता है। नाउ वन, इसमें कोई भी एक सिम्टम और होना चाहिए, नोजिया, वॉमिटिंग या लाइट या साउंड के, ये उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नाउ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, माइग्रेन के सापेक्ष निदान, तो माइग्रेन कैसा रहेगा जिसके अकॉर्डिंग उसके सापेक्ष निदान हम कर पाएंगे, कि माइग्रेन का ऑनसेट सडन आता है, वो कभी भी टाइम टू टाइम तो आता नहीं है, पंचुअल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेंगे, कम से ज़्यादा सरदर्द बढ़ जाएगा, एक साइड रहेगा इसलिए हम इसको अर्धाभेदा कहते हैं, पल्सेटिंग होगा और कितना चलेगा, लगभग 2 से 3 दिन। अदर फीचर्स क्या रहेंगे उसके साथ, नोजिया और वॉमिटिंग, प्रिसीडिंग ऑरा जो हमने पढ़ा था 4 फेजों में, ऑरा फेज, फोटोफोबिया होना, फोनोफोबिया होना। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स में क्या, माइग्रेन में क्लिनिकली ऐसा कोई नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग नहीं मिलेगी, पर रूल आउट अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम CT स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट हम कराते हैं। अब अगला डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे कर सकते हैं, सेरेब्रोनोइड हेमरेज, इसमें भी ऑनसेट तो माइग्रेन के जैसा ही रहेगा सडन, कैरेक्टरिस्टिक भी सीवियर हेडेक के रहेंगे, पर थंडर क्लैप बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसमें, थंडर क्लैप एकदम से आना, थंडर क्लैप आप जानते हैं ना, बिजली कड़क जाना, पर इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा CT स्कैन में, एलिवेटेड RBCs बड़ी मिलेंगी और लंबर पंचर पता चल जाएगा, लंबर पंचर आप लोग जानते हैं CSF से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। मेनिनजाइटिस में भी लोगों को लगता है कि माइग्रेन का पेन हो रहा है, पर नहीं, ऑनसेट तो सडन रहता है, कैरेक्टरिस्टिक भी रहेंगे पर उसमें अलग फीचर्स मिलेंगे, फीवर मिलेगा, नेक में स्टिफनेस मिलेगी, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया मिल सकता है पर इरिटेबिलिटी रहेगी पेशेंट में, और इन्वेस्टिगेशन अगर हम CT स्कैन कराते हैं तो हर्निएशन मिल जाएगा आपको, और CSF एनालिसिस में भी इसका डायग्नोसिस मिल जाएगा। फिर इंट्राक्रेनियल मास, इंट्राक्रेनियल मास मीन्स इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ये भी माइग्रेन के अटैक की तरह है पर इसमें सडन नहीं मिलेगा, इसमें ग्रेजुअल मिलेगा, कि जैसे पेन हो रहा है तो ग्रेजुअली फिर वो इंक्रीज हो रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, और टाइम टू टाइम रहेगा। मॉर्निंग हेडेक इसमें रहेगा जो कि माइग्रेन में नहीं है, तो इसमें पता चल जाएगा नहीं ये माइग्रेन का पेन नहीं। नोजिया वॉमिटिंग रहेगी और उसके सीजर्स रहते हैं जो कि माइग्रेन में रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगेन CT स्कैन MRI में इसका इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगा, बायोप्सी कराएंगे या ट्यूमर की एब्सेस करवाएंगे तो इंट्राक्रेनियल मास का पता चल जाएगा। फिर सेरेब्रल हेमरेज, इसका ऑनसेट तो माइग्रेन की तरफ सडन रहेगा पर कैरेक्टरिस्टिक माइग्रेन से अटक अलग रहे, या रैपिडली प्रोग्रेसिव, अदर फीचर उसमें क्या रहेंगे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि मैनिटॉल वगैरह देना पड़ता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। CT स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट करवा सकते हैं, तो CT स्कैन में पता चल जाएगा हाइपर ऑल्टर मिल जाएंगे, कोई हेड में लगता है कि हाँ माइग्रेन का अटैक है, पुरानी पुरानी कोई हेड इंजरी रहती है, नई वाली ऑनसेट को सडन रहता है पर कैरेक्टरिस्टिक डल रहे हैं, थ्रोबिंग पेन रहेगा पर एक साइड भी सकता है और ऑल अराउंड क्या रहेंगे, इसका कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है,
ब्राउज में कॉन्शियसनेस नुस्खा लो रहेगा। नाउ द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ए बी सी कई तरीके में डिसाइड है। सबसे पहले ड्यूरिंग द अटैक हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एनल्जेसिक्स के थ्रू कर सकते हैं, एंटी एमेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं और अर्गोटामाइन प्रिपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं तीनों को बताऊंगा। नंबर वन द एनल्जेसिक्स क्या काम आ सकती है, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनल्जेसिक्स काम आ सकती हैं आइबुप्रोफेन 200 mg दिन में 3 बार, ड्यूरिंग द अटैक की बात हम कर रहे हैं डाइक्लोफिनेक 50 mg दिन में 3 बार, नीमोस्लेट क्योंकि फीवर भी आ जाता है 100 mg दिन में 2 बार, एसीकोफ्लेक 100 mg दिन में 2 बार, एस्पिरिन ब्लड थिनर 325 mg दिन में 1 बार, एंटी एमेटिक्स हम क्या चला सकते हैं ओंडासेट्रॉन 4 mg दिन में 2 बार, फ्लोकोरपेराजीन 50 से 10 mg दिन में 3 बार, डैमपेरिडॉन 10 mg दिन में 3। नाउ द एर्गोटामाइन ड्रग जो कि मिग्रान माइग्रेन करके काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स हैं माइग्रेन के आते हैं, अर्गोटामाइन प्रिपरेशन बेसिकली कह सकते हैं माइग्रेन की ओपियोइड्स हैं, ओरली भी आती हैं इंटेकली 1 से 2 mg आती हैं, रेक्टली आती है रेक्टल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा रहता है तो कैफरगोट सपोजिटरीज आते हैं रेक्टली, एयरोसोल इन्हेलेशन नस्य के द्वारा हम इसको ले सकते हैं 360 micrograms की आती हैं 5 मिनट में ले सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में आती हैं 0.25 mg से लेके 5 mg का IM या सब्क्यूटेनियस हम इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। नाउ द बी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सब्सिक्वेंट अटैक्स, सबसे पहले निदान परिवर्जन प्रेसिपिटेटिंग जितने भी फैक्टर हैं उनको हमको कम करना है, दूसरा जनरल सेडेटिव या ट्रैंकुलाइजर जैसे डाइजेपाम लेना नींद आ जाएगी, प्लोक्रोपेराजीन लेना, प्लेंटी ऑफ फूड इंटेक हमने पहले ही पढ़ा था कॉजेज में कि डिहाइड्रेशन से माइग्रेन बढ़ जाता है, पिजोटिफेन 0.5 mg दिन में 3 बार इनिशियली लेना है फिर बाद में 3 से 6 mg तक उसको डेली लेना बढ़ाना है। कॉमन साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं वेट गेन ड्राउजीनेस, वेट गेन तो हो गए क्योंकि अगर आदमी खा रहा है सो रहा है तो फिर वो वेट गेन उसका हो रहा है, प्रोपेनोलॉल 10 mg दिन में 3 बार फिर उसके बाद घटा के 40 mg दिन में 3 बार, क्लोनिडीन 20 से 50 microgram micromilligram डेली, मेथरसेजाइड 2 से 6 mg दिन में 1 बार, कुछ हार्मोन इंटेक्स प्रोजेस्टेरोन मे बी गिवन फॉर लास्ट 8 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ अटैक्स अकर्स इन द इमीडिएट प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में माइग्रेन का होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंटेक बताया गया है। ईस्ट्रोजन मे बी गिवन इन द स्मॉल डोज और कंटिन्यूस थेरेपी व्हेन माइग्रेन बिगिंस और वर्स एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज एस ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो कंट्रोल्स केमिकल्स इन द ब्रेन दैट इम्पैक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन, द डिक्रीज इन द ईस्ट्रोजन लेवल कैन कॉज हेडेक टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेन। दिस इज द लाइन जो मैं शुरू में आप लोगों को बता रहा था कि ईस्ट्रोजन लेवल में डिक्रीज हो जाना भी माइग्रेन में है। एंड्रोजन जो काम करता है हमारे में टेस्टोस्टेरोन उनके में ईस्ट्रोजन वो ही पेन सेंसरी को कंट्रोल भी करता है कि कैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पेन को कंट्रोल करते हैं। नाउ अर्धावेदन तो आयुर्वेदिक कोरिलेशन, जिस मनुष्य के सिर के आधे भाग में अत्यधिक भेद शोध भ्रम शूल होता है तथा यह लक्षण अकस्मात 15 दिनों में 10 दिन के बाद हो जाते हैं उसे अर्धावेदक कहते हैं। पक्षाद्वा मासा तो आप लोगों ने श्लोक पढ़ा होगा 15 दिन 1 महीना। अष्टांग हृदय के अनुसार सिर के आधे भाग में पीड़ा होती है तो उसे अर्धावेदक कहते हैं, इसी को आधा सीसी भी कहते हैं। इसका प्रकोप 15 दिन पर अथवा 1 मास में होता है, यह होते रहता और किसी उपचार विशेष के बिना स्वयं शांत भी हो जाता है। यह रोग यदि अत्यधिक बढ़ जाता है तो नेत्र तथा कान की क्रमशः दर्शन एवं श्रवण शक्ति को नष्ट करता। शिरोरोधों के निदान के अनुसार इसका भी निदान वही है कि धुआं धूप ओस जल क्रीड़ा अधिक सोना रात्रि जागरण शिरो अभ्यंग ना करना निरंतर देखना अधिक बोलने से प्रकोपित दोष शिर में जाकर रोगों को शिरोरोग उत्पन्न करते हैं। संदर्भ ग्रंथ में हमें यह मिलता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 25-26 अध्याय में, चरक सूत्र स्थान 17वें अध्याय में, चरक चिकित्सा 26वें अध्याय में, चरक सिद्धि 9वें अध्याय में, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 23वें अध्याय में, चारंग संहिता उत्तर तंत्र 11वें अध्याय में, रस रत्न समुच्चय 24वें अध्याय में, भैषज रत्न चिकित्सा 62वें अध्याय में, भाव प्रकाश 62वें अध्याय।
दोष प्रधानता आचार अनुसार है इनमें, आचार सुश्रुत अनुसार दोष प्रधानता है त्रिदोषज, आचार चरक अनुसार दोष प्रधानता है वातज एवं वात कफज, आचार वाग्भट अनुसार दोष प्रधानता है वातज एवं भाव प्रकाश अनुसार दोष प्रधानता है वात एवं कफज। फिर होती है इसकी संप्राप्ति के निदान सेवन के बाद वात का प्रकोप होता है, वात बाद में पित्त व कफ को साथ ले जाकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या भ्रूकटु शंख प्रदेश कर्ण नेत्र ललाट के आधे भाग में शस्त्र के काटने के समान तीव्र वेदना उत्पन्न करती है। इसमें लक्षण कुछ इस तरीके के रहते हैं, जैसे कि हमने बताया था पक्षाद्वा मासाद्वा, यानी 15 दिन या 1 महीने के बाद लक्षण पुनः उत्पन्न होते हैं। सिर के आधे भाग में पीड़ा होना, पीड़ा अत्यंत बढ़ जाए तो नेत्र और कर्ण को नष्ट कर देता, शस्त्र के समान काटने जैसी पीड़ा होती है। इसकी चिकित्सा कुछ इस तरह की है। सबसे पहले संक्षिप्त क्रिया रोगों निदान परिवर्जन, जैसे कि बताया कि निदानों का ही परिवर्जन करना, फिर है शोधन चिकित्सा साफ करना, फिर है संशमन चिकित्सा दबा देना। निदान परिवर्जन कैसे, जो भी निदान है अर्धाविधक से होने वाले, खाने के निदान, हार्मोनल निदान, दिनचर्या के निदान, है ना, जैसे कि रूरल एरियाज में नहीं हो रहा अर्बन एरियाज में हो, तो अर्बन एरियाज में क्या क्या वो निदान हो सकते हैं उनको हटाना। फिर है शोधन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा में नाड़ी स्वेदन करना, शिरोविरेचन तीक्ष्ण नस्य देना, शिरोवृत वस्ती करवाना, दहन कर्म करवाना, रक्तमोक्षण करवाना, रक्तमोक्षण तुरंत ही दूषित रक्त निकल जाता है तो तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है, शिरोधारा करवाना, ललाट में दहन कर्म करवाने का बात करी गई है। संशमन चिकित्सा, संशमन चिकित्सा में सबसे पहले कुछ एकल औषधियां भी हैं, पुराण घृत का पान करना और नस्य देना, जटा मानसी चूर्ण का एप्लीकेशन करना, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा एक नरवाइन टॉनिक की तरह काम करती, बकरे के मूत्र का नस्य देना, हर संहिता में कहा गया, पिपली कांड में ललाट के अंत में तथा शंख पर्यंत एवं गर्दन में दहन कर्म, जैसे मैंने बताया दहन कर्म ललाट में बताया भेद संहिता में, अपराजिता को कान में बांधने से, अपराजिता अपने प्रभाव से काम करते तो अर्धाभेदक उसे नष्ट हो जाता है। काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारे रिसर्चेस इसमें हो चुके हैं कि पुराण घृत, आप लोगों ने कई मैगजीन में काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे, गौ घृत को थोड़ा सा कुनकुना करके उसका नस्य 3 से 4 बूंद लेना है डेली रात में सोने से पहले, तो उससे पुराने से पुराना सरदर्द भी सही हो जाता है। तो गौ घृत ऐसा कर क्या देता है, एक तो गाय का घी ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर देता है, और गाय का घी थोड़ा कफ भी रहता है तो वो वात और पित्त को शमन कर देता है। इसलिए मैंने तो एक आर्टिकल डाला है, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल आपको और भी मिल जाएंगे। एक और बता कि सूर्यवर्त तथा अर्धाभेदक रोग में शीरीष की जड़ और फलों को पीसकर उनके स्वरस का अवपीड़न नस्य देना हितकर होता है। अवपीड़न आपको मालूम होगा, पीड़न करने के द्वारा उसका स्वरस निकालना। फिर कुछ औषधि योग हैं, शीर्षूलादि वज्ररस माइग्रेन नष्ट हो जाता है, महिरोदय रस इससे अर्धाभेदक सही हो जाता है, सिद्धामृतक रस, गोदंती भस्म दी जाती है फीवर होने के बाद, गर्भद भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, काम दुधा रस काफी ज्यादा फेमस है, अत्याधि क्वात अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण की बात करी थी, षडबिंदु तेल, लक्षादि तेल। फिर कुछ अन्य औषधियां, गुड़ और सौंठ के कल का नस्य शिरशूल ठीक हो जाता है, वायुविडंग तथा काले तिल इन दोनों को पीसकर प्रलेप करने से तथा इसको निचोड़कर नस्य देने से शिरशूल ठीक हो जाता है, चूना तथा नवसादर को मिलाकर सूंघने मात्र से शिरशूल तुरंत नष्ट हो जाता है, ये नस्य के द्वारा है, क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारा हमने पढ़ा है, कुमकुम यानी केसर को घी में भूनकर नस्य देने से शीर्षूल नष्ट हो जाता है। फिर है ये कुछ पथ्य, पथ्य पथ्य में हम क्या कर ले सकते हैं, पुराण घृत, साठी धान, दुग्ध, किशमिश, बथुआ, करेला, आंवला, आम, तिली, चक्र, नारियल का पानी, शर्करा मिश्रित दुग्ध, घृत कुमारी, भृंगराज, चंदन। अपथ्य में क्या नहीं करना है, अर्धाभेदक में जो उसके निदान है, छींक, जरंभा, निद्रा मूल, मल के वेगों को धारण करना, दिवा स्वप्न करना, रात्रि जागरण करना, जल क्रीड़ा करना, लकड़ी का दातून, लकड़ी का दातून आप लोग समझ, लकड़ी का दातून क्योंकि लकड़ी का दातून ट्रिगर करता है जो मसल्स को, तो इससे हेडेक होता है, विरुद्ध भोजन करना। फिर कुछ प्राणायाम जिससे अर्धाभेदक ठीक होता है, काफी सारे हैं पर भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम काफी ज्यादा फेमस है, यह कुछ घरेलू नुस्खे। आखिर में दालचीनी पीसकर आधे घंटे तक माथे पर लगाने से भी सरदर्द सही होता है, 1 चम्मच अदरक रस में शहद मिलाकर सेवन करने से, चाय में अदरक डालकर पीने से
मुंह में रखने से अर्धा बेढक ठीक होता है, लौंग से देसी घी का हम बता ही चुके हैं नस से लेना, गुड़ और दूध से। कई बार ट्रिगर फैक्टर होता है माइग्रेन का, उस वक्त मावा बाटी खिलाई जाती है, दूध जलेबी खिलाई जाती है, रबड़ी जलेबी खिलाई जाती है। तो इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक आपके सामने ख़त्म करता हूँ। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये समझ में आया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।